बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन प्लूरोफाइटा और उसके अंदर हम इसकी टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप क्लेमाइडोमोनास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। इसका किंगडम है प्लांटी, डिवीजन है क्लोरोफाइटा, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है वॉल्वोकेल क्योंकि ये अक्सर कलोनीज के फॉर्म में पाया जाता है, फैमिली इसकी क्लेमाइडोमोनासी एंड जीनस है क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट वन क्या है, इसकी अक्रंस है, ये कहाँ पर पाया जाता है? मोस्टली फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, यानी कि ताजा पानी के जो चश्मे वगैरह होते हैं उनके अंदर, और ऐसे पानी के अंदर जिसके अंदर नाइट्रोजन साल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होते हैं, इन दोनों जगहों पर भी पाया जाता है। इसके अलावा स्टैग्नेंट वाटर, डिचिस यानी खाइया वगैरह जो होती है, पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर एंड सीवेज वाटर के अंदर भी पाया जाता है। इसकी तकरीबन 325 स्पीशीज अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। इसको दूसरा नाम जो कहा है उसको स्नो एलजी भी बोला जाता है। स्नो एलजी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पहाड़ों के ऊपर जहाँ पर स्नो पड़ती है वहां पर ये ज्यादा दिखने में आया है, इसलिए हम इसको स्नो एलजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट मैंने इसका जनरल स्ट्रक्चर यानी कि दिखने में कैसा नजर आता है, अगर हम इसकी बॉडी की शेप देखें तो इसकी बॉडी की तकरीबन शेप होती है पायरेफॉर्म यानी पियर शेप, नाशपत्ती की जो शेप होती है उसकी तरह की इसकी बॉडी शेप होती है, एलिप्स शेप होती है और डिस्क की तरह की होती है, ठीक है, इसलिए हम इसको डिस्कॉइड बोलते हैं, यानी डिस्क की तरह का इसका स्ट्रक्चर नजर आता है। इसके ऊपर दो फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं जो कि इसकी इंटीरियर साइड पर प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, इसकी इंटीरियर साइड पर प्रेजेंट है। फ्लैजेला का फंक्शन क्या होता है कि इन्होंने मूवमेंट में हेल्प करनी है। फ्लैजेला अराइज होते हैं सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे से, वेसल बॉडी से अराइज होते हैं तो इसको यहाँ पर एंकर करके रखती है, ठीक है। तो इसकी टिप होती है वो पैपिला लाइक होती है, पैपिला का मतलब है कि नैरो और पॉइंटेड एंड। ये जो आउटग्रोथ होती है या नैरो पॉइंटेड एंड होता है ये बनता क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर इसकी जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर म्यूसिलेज का कवर होता है, ठीक है, म्यूसिलेज शीट होती है यानी चिपकने वाला मादा होता है, तो ये जो म्यूसिलेज होता है वो इसकी टिप के ऊपर थोड़ा ज्यादा आके जमा हो जाता है जिसकी वजह से इसका जो एंड है ये पॉइंटेड हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैपिला लाइक आउटग्रोथ बोलते हैं। और इसकी बेसल बॉडी के बिल्कुल नीचे दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि इसको स्टोरेज में और इसके अलावा मूवमेंट के अंदर भी इसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसका आई स्पॉट है जो कि इसकी बॉडी के बिल्कुल एक साइड पर प्रेजेंट होता है, कुछ साइंटिस्ट इसे प्रिमिटिव आई भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर लेंस देखा गया था कि इसके अंदर लेंस प्रेजेंट है, इसलिए इसको आई भी बोला जाता है, लेकिन ये मुकम्मल आई की तरह का स्ट्रक्चर नहीं रखता इसलिए इसको आई स्पॉट बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लाइट इंटेंसिटी को ही फील कर सकता है, ठीक है, लाइट को फील करेगा और कोई चीज इसके अंदर आई की तरह का फंक्शन यानी इमेजेस वगैरह नहीं बनते। नेक्स्ट है इसका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इसका कप शेप होता है, लेकिन हर जो इसकी स्पीशी है क्लेमाइडोमोनास की उसके अंदर सबके अंदर ये कप लाइक नहीं होता, किसी के अंदर ये छोटे छोटे भी होते हैं, स्मॉल भी होते हैं और डिस्क की तरह के भी होते हैं, ठीक है, किसी में कप की शेप के होंगे और किसी में स्मॉल और डिस्क की तरह के क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर इम्बेडेड होता है जिसे हम बोलते हैं पेरेनॉइड। पेरेनॉइड जो है इसके गिर्द यहाँ पर स्टार्च की कवरिंग होती है, स्टार्च जो ग्रेन्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं वो पेरेनॉइड को यहाँ से कवर कर रही होती है, ठीक है। और पेरेनॉइड का फंक्शन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट को हेल्प करना फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक फंक्शन करता है, इसलिए ये पेरेनॉइड जो होती है इसको कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में हेल्प करती है। और सबसे बाहर की तरफ जो इसकी कवरिंग है वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है और इसकी तकरीबन दो लेयर्स होती हैं जो इसको कवर कर रही होती हैं, ठीक है, और इस जो सेल वॉल है उसके बाहर की तरफ म्यूसिलेज की शीट होती है, म्यूसिलेज कवर होता है जो इसे किसी सब्सट्रेट के साथ अटैच होने में या फिर अपने जैसे दूसरे मेंबर्स के साथ अटैच होने में, जैसे वो कलोनी बना रहे होंगे तो उनके साथ अटैच होने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट आती है इसके रिप्रोडक्शन। क्लेमाइडोमोनास से है वो दो तरीकों से रिप्रोडक्शन करता है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन नेक्स्ट जो तरीकों से हो रही है वो है ज़ूस्पोर, ए प्लानोस्पोर, पाल्मिला स्टेज एंड हिप्नोस्पोर फॉर्मेशन। ये चार तरीके हैं जिनके जरिए से इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है, जिसके अंदर सिर्फ एक पेरेंट बॉडी ही नेक्स्ट
प्रोजनी प्रोड्यूस कर दे उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट हिस्सा लेते हैं, मेल एंड फीमेल पेरेंट हिस्सा लेंगे, उसे हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो तीन तरीकों से होती है, आइसोगैमी, एनआइसोगैमी एंड ओगैमी। हम नेक्स्ट इनको डिस्कस करेंगे ये किस तरह से होती है। सबसे पहले हम देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर फर्स्ट जो है मेथड हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, ज़ूस्पोर फॉर्मेशन। ज़ूस्पोर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम साइकिल को देखते हैं। ये हमारे पास एक प्रॉपर क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास है। तो इसके ऊपर क्या है, दो फ्लैजेला मौजूद है, ठीक है। सिंपली ज़ूस्पोर कहते ही ऐसे स्पोर को है जिसके ऊपर दो फ्लैजेला मौजूद हो, या मूवमेंट के लिए उसके पास कोई ना कोई स्ट्रक्चर मौजूद हो, उसे हम कहते हैं ज़ूस्पोर। तो यहाँ पर ज़ूस्पोर है जिसके ऊपर दो फ्लैजेला मौजूद है, ठीक है। तो जैसे ही, और ये मेथड कब होता है, ये जो ज़ूस्पोर फॉर्मेशन का जो तरीका है ये कब करते हैं, जब कंडीशन फेवरेबल होती है, यानी इसको माहौल बिल्कुल अच्छा मिल रहा होता है, तो ये सिमल्टेनियसली डिवाइड होते हैं और न्यू अपने जैसे सेल्स बनाते रहते हैं। तो जैसे इन्होंने डिवाइड होना है, सबसे पहले ये अपने फ्लैजेला को लॉस कर देंगे, ठीक है। ये मोटाइल स्ट्रक्चर से नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फौरन ही ये क्या करेंगे, ये वर्टिकली डिवाइड करेंगे और एक जो पेरेंट बॉडी है वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इसके जो म्यूसिलेट शीट होती है वो अभी इसके ऊपर ही होती है, यानी कि जो न्यू दो सेल बनेंगे एक सेल के डिवाइड होने से, वो सेपरेट नहीं होंगे बल्कि पेरेंट बॉडी के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। वर्टिकली डिवाइड होकर दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, फिर दो के अंदर ट्रांसफर डिवीजन होगी, ये चार सेल बन जाएंगे और इस तरह से ये फर्दर डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तकरीबन 2 to 16 स्वामोस्पोर, स्वामोस्पोर का मतलब जो स्विम कर सकता है, ठीक है, हरकत कर सकते हैं। तो इसके अंदर डिवीजन जब होती है तो तकरीबन 2 to 16 सेल बन जाते हैं, यानी दो भी बन सकते हैं, 4 भी 8 भी और 16 सेल भी बन सकते हैं। तो जैसे ही इतने सेल बनते हैं उसके बाद जो इसका म्यूसिलेज का कवर होता है ये फट जाता है, रैप्चर हो जाता है और जितने भी अंदर ज़ूस्पोर बने हैं वो यहाँ से लिबरेट हो जाएंगे और बॉडी से बाहर आ जाएंगे और एज अ ज़ूस्पोर दोबारा से फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है, क्योंकि कंडीशन जो है इस टाइम फेवरेबल है, तो क्लेमाइडोमोनास बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं और बहुत सारे न्यू सेल बना लेते हैं। तो तकरीबन एक वीक के अंदर ये 2 लाख सेल बना देंगे, ठीक है। इतने सेल्स बन जाते हैं जब कंडीशन फेवरेबल होती है, ठीक है। ये तो सबसे कॉमन मेथड ही यही वाला इस्तेमाल करते हैं। सेकंड वन है पालमिला स्टेज। पालमिला क्या है, कलोनी स्टेज को कहते हैं, जिसके अंदर पेरेंट सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाते हैं और फिर डॉटर सेल फिर डिवाइड होकर सब डॉटर सेल बनाते हैं। लेकिन ये तमाम सेल पेरेंट बॉडी का जो म्यूसिलेज कवर होता है उसके अंदर ही सब कुछ हो रहा होता है, इससे सेल लिबरेट नहीं होते। तो पेरेंट के साथ डॉटर और डॉटर के साथ सब डॉटर सेल्स बनते रहते हैं और वो तमाम एक ही म्यूसिलेज कवर में एम्बेडेड होंगे और ये एक कॉलोनी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, ठीक है। और ये तरीका कब इस्तेमाल करते हैं, जब कंडीशन लेस फेवरेबल होती है, ठीक है, लेकिन ज्यादा ड्राई कंडीशन ना हो, यानी मॉइस्ट सी कंडीशन हो, ना ज्यादा ड्राई हो और ना ही ज्यादा वेट हो। सबसे पहले क्या होगा, पेरेंट सेल डिवाइड होंगे और डिवाइड होकर क्या बना देंगे, डॉटर सेल बनाएंगे और डॉटर सेल फिर फर्दर डिवाइड होंगे और उसके बाद सब डॉटर सेल बना देंगे, ठीक है। और तमाम जितने भी सेल बने हैं वो एक म्यूसिलेज के कवर के अंदर अभी भी पैक है, ठीक है, और एक अमर्फस कलोनी बना देते हैं। अमर्फस का मतलब होता है जिसकी कोई खास शेप नहीं होती, इस तरह की कलोनी यहाँ पर बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि तमाम अरसा ये ऐसे ही आपस में अटैच रहे। तो जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होगी, इसके जो पेरेंट बॉडी का जो म्यूसिलेज है वो यहाँ से रैप्चर हो जाएगा और तमाम सेल यहाँ से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये जो सम टाइम से करते हैं कि जो सेल बन रहे हैं, ये वाले जो न्यू सेल बनेंगे, ये अपने गिर्द थिक वॉल बना लेते हैं, ये सेल भी, और जो सबसे बाहर पेरेंट बॉडी का जो म्यूसिलेज कवर है यहाँ पर भी थिक वॉल बन जाती है, ठीक है। थिक वॉल जब बनती है तो ऐसे स्पोर को हम बोलते हैं हिप्नोस्पोर, ठीक है। एक बाज़ औक़ात क्या होगा, अगर कंडीशन ज्यादा अच्छे के लिए ड्राई हो जाए तो फिर ये कलोनी अपने आप को थिक वॉल के अंदर एम्बेडेड कर लेती है और उस टाइम हम इसे कहेंगे हिप्नोस्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आती है ए प्लानोस्पोर। ए प्लानोस्पोर क्या होता है,
ए का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई चीज मौजूद नहीं है, यानी कि ये नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर है, ये हरकत नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल जू स्पोर की तरह का ही होगा, जैसे वो जो है वो बनते हैं, यानी कि पेरेंट बॉडी 2 सेल में, फिर 4 में, और तकरीबन 16 सेल में डिवाइड हो जाती है, सेम वैसे ही ये बनते हैं। कैसे होगा, यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक क्लेम एडोमोनास का सेल है, यानी कि सिंपल सेल है, लेकिन इसके ऊपर जो फ्लैजेला होते हैं वो डिवेलप नहीं होंगे। ये क्या करेगा, एक सेल के अंदर इसका जो सेल होगा ये 2 में डिवाइड होगा, 2 जो होंगे वो 4 के अंदर डिवाइड होंगे, और उसके बाद फर्दर डिवाइड होते रहेंगे। यानी कि अब क्या होगा, ये पेरेंट बॉडी का यहाँ से न्यूक्लियस जो होगा वो रैप्चर हो जाएगा और तमाम सेल यहाँ से लैपरेट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंपल फर्क क्या आएगा कि इसके ऊपर ये जो फ्लैजेला होते हैं ये डिवेल्प नहीं होते। ठीक है, फ्लैजेला के बगैर ये सारी स्टेजेस आती हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं ए प्लानोस्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है और इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।